शहर जो है साफ सुथरा रहे, उसके लिए हम पूरे जम्मू शहर में सैनिटेशन ड्राइव, पूरे शहर में सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं। उस सैनिटेशन ड्राइव में हमारी नाली गली कचरा मलबा और भी कई किस्म जो इशू होंगे, पूरा जो कमिश्नर साहब मेयर डिप्टी मेयर और जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं वो साथ जाते हैं। किसी भी वार्ड में सफाई का मुद्दा और किसी किस्म के मुद्दे हैं उनको ऑन स्पॉट रिजॉल्व करते हैं। सेक्शन के डॉक्टर सलीम जी, बाकी ट्रांसपोर्ट सेक्शन, पूरे जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोगी रहते हैं। और ये हमारी जो ड्राइव चलेगी सैनिटेशन ड्राइव, ये हमारी 23 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक पूरा एक महीना चलेगी। और जो फॉगिंग है वो 9 तारीख से लेके 26 तारीख तक वो भी लगातार चलेगी। मैं डेट्स भी आपको देना चाहता था। इसके साथ साथ मैं आपको एक मुबारक भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे हेल्थ सैनिटेशन विंग के जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, जो हेल्थ विंग है, इन्होंने पूरा जम्मू शहर में जो 171 नाले पड़ते हैं और 103 ड्रेन पड़ती हैं उनको अच्छी तरह साफ किया। और पहले फरवरी महीने से पहले ही लगे हुए थे और शहर में पानी ना आए, नाले ओवरफ्लो ना हो, जो हर साल लोगों को आता है। तो मैं इस बार मुबारक देना चाहता हूँ कि जम्मू शहर में को पानी ओवरफ्लो की, नाले ओवरफ्लो, लोगों में घरों में पानी जाने की समस्या इस बार बहुत कम रही। और इसके साथ साथ जो जम्मू शहर में हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे कॉर्पोरेटर्स की डिमांड रहती थी कि हमें सफाई कर्मचारी कम है, उसका भी हमने पहला चरण पूरा किया है। जो नए वार्ड बने थे उनको 25-25 सफाई कर्मचारी दिए हैं, और जो वार्ड एक्सटेंडेड हुए थे, एरिया और उनमें ऐड हुआ था, उन कॉर्पोरेटर्स की भी डिमांड रहती थी हमें सफाई कर्मचारी और दिए जाएं, तो 15-15 सफाई कर्मचारी हमने उनको भी और दिए हैं। इसके लिए जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पूरे जम्मू शहर के लोगों से हम सहयोग चाहते हैं, क्योंकि जम्मू शहर के लोग, आम जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक जम्मू साफ नहीं रह सकता। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस जम्मू शहर को साफ सुथरा रखने के लिए पूरा दिन रात एक काम कर रही है। और इसके एक परेड कॉलेज वुमेन से रणवीर राय स्पेंट्री से लेके मुबारक मंडी तक हम एक रैली निकाल रहे हैं ताकि अवेयर हो नो प्लास्टिक के लिए, जो लोग हैं इसके भी अवेयर हों। जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले से बोला था कि 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसके ऊपर बैन लगाने वाले हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं। यही बात करनी की तरफ से जो पूरा हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो एरिया आता है उसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉगिंग करने जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में जो बरसात के बाद तो मच्छर और आगे पीछे डेंगू का खतरा रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो 9 तारीख से हम फॉगिंग कर रहे हैं, हर वार्ड में फॉगिंग होगी। और इसके लिए हमने आज सभी मीडिया बंधुओं को उसका शेड्यूल दे दिया है कि कोई भी किसी भी, और पब्लिश भी किया है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इसको, कि किसी को भी लगता है कि मेरे एरिया में फॉगिंग नहीं हुई जो और चाहिए तो कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करेगी। ये कार्यक्रम हमारा 9 तारीख से लेके और 29 तारीख तक चलेगा। तो ये प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम जो जम्मू शहर साफ सुथरा रहे, जम्मू शहर में गंद कचरा ना पड़ा हो, उसको ध्यान में रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 23 तारीख से लेके एक महीने की सैनिटेशन ड्राइव भी रखी है, जिसमें पूरे शहर में हर वार्ड की साफ सफाई होगी। इसके साथ साथ कॉर्पोरेशन ने एक और बड़ा कदम, जो नए वार्ड आए थे उनको सफाई कर्मचारी की कमी थी, उसका 25-25 सफाई कर्मचारी भी दिए थे।